So we are back, and I'm sure you are back with your beer and with your whatever you are drinking today, with your sherbet and your tea. We are sitting with a very great artist from Punjab. Sudhir Sahib, program mein Desi USA TV mein aapka swagat hai. Thank you, sir. Bahut shukriya ji. ये बताइए आपको पहले ये बताएं कि आपको अमेरिका कैसा लगा? पहली बार आए हो? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया हूँ. मैं इससे पहले 5 दफ़ा आ चुका हूँ. अच्छा. लेकिन ये जरूर है कि अभी मैं काफ़ी देर के बाद आया हूँ, काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ, करीब 10 साल के बाद आया हूँ. देर लगे आने में तुमको शुक्र है, फिर भी आए तो आ तो गए. बिल्कुल. तो मतलब कितने सालों के बाद आए हैं? मैं करीब 10-12 साल के बाद आया हूँ. अच्छा. और लगातार आप निकलते हैं तो प्रोग्राम के सिलसिले में निकलते होंगे मेरे ख्याल से. हाँ बिल्कुल. लेकिन इस वक्त जब मैं बैठा हूँ, जैसे मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, बहुत दिल के नज़दीक हैं, मिस्टर एचएस भजन, तो बहुत देर से उनके साथ ऐसा प्रॉमिस हो रहा था कि आप शो पे आओ. लेकिन मैं यूके में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ आजकल, तो यूरोप में बहुत सारे शो होते हैं, इंडिया में शो होते हैं, लेकिन वो कभी सबब बना नहीं. तो अभी काफ़ी देर से मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने भाई के घर जाऊँगा. क्या बात है. तो अपने घर में जाके जो मज़ा होता है आपको मालूम ही है. तो इसलिए अभी मेरी जो ज़्यादा मतलब जिसको पंजाबी में बोलते हैं खिच जड़ी होंगी है ना, खिच जड़ी होंगी है. हाँ जी. वो ये थी कि मैं सैन होजे आऊँ. लेकिन इससे पहले मैं बोस्टन भंगड़ा कंपटीशन था अभी पिछले कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस करने के लिए आया था. तो अभी तो आता जाता रहूँगा बस. क्या बात है. वो तो उनके भजन साहब के मुस्कुराहट से लग रहे हैं कि वो कितने खुश हैं आपको देखकर. वो बात अलग होगी. बिल्कुल. आप ये बताइए आपकी शुरुआत, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? सैन साहब, मेरा जन्म फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है. अच्छा. और फरीदकोट में आजकल तो फरीदकोट के बीच में ही आ गया गांव मेरा टहना. अच्छा. तो यहाँ पैदा हुआ हूँ. एक गरीब किसान मेरे माँ बाप थे. अच्छा. तो लेकिन मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का शौक था. हाँ जी. तो मेरा ये भी मानना है कि म्यूज़िक जो होता है, स्पोर्ट्समैन किसी को भी बनाया जा सकता है. जी जी. लेकिन म्यूज़िक या म्यूजिशियन किसी को बनाया नहीं जा सकता, वो तो ऊपर से ही बन के आते हैं. क्या बात. तो बस ऐसा है, खुदा ने मुझे यही ड्यूटी लगाई थी. तो मैंने बचपन से लेके आज तक वो स्ट्रगल चल रही है, काम कर रहे हैं. एक जुनून है, एक आग है, एक आतिश है कि कुछ करना है, कुछ बनना है. तो बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा बाकी भी है. अक्सर जो आप जैसे नामवर कलाकार लोग आते हैं, तो उनका परिचय उनका कुछ ना पीछे कुछ घराने से होता है. किसी घराने से आप ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैंने पहले बताया कि हमारा घराना तो वो जो खेती बाड़ी करने वाले, हल चलाने वाले जमींदार जट होते हैं जो, वही हमारा घराना था. और हमारे घर में म्यूजिक का कुछ नहीं बिल्कुल भी. हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, तो जब मैंने शुरू किया था तो मुझे घर से निकाल दिया गया था. क्या बात है. और तब से घर से निकाला हुआ ही है मुझे. क्या. और मेरे माँ बाप को तो अभी भी मेरे किसी गाने का आप बोलोगे कि इसका कौन सा गाना हिट है, मेरे मतलब सैकड़े मेरे सुपरहिट गाने हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उनको कोई मालूम नहीं है कि मेरा कौन सा गाना हिट है अभी भी. क्या बात है भजन साहब, ये कैसे हो सकता है? आजकल की जो जो हमारी आजकल की जो पीढ़ी आ रही है, जो आजकल हमारे जो सीरियल्स आप देख रहे हैं, उसमें तो ये एक चेतावनी दी जाती है, एक एग्जांपल दिया जाता है कि कलाकार तो कभी भूखा मरता नहीं वैसे भी, लेकिन कला लेके इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये सीरियल हमारी प्रूफ करती है. तो अगर आपके फैमिलीज वगैरह सुन रहे हैं तो क्या आप उन्हें कुछ मैसेज तो देना चाहेंगे कुछ, क्या आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए आज? नहीं, अब तो कोई वैसे गिला शिकवा तो नहीं है उनको. अच्छा. मैंने इसलिए बताया कि उन्होंने घर से निकाल दिया था कि ये जिमीदार लोग जो होते हैं, जो जट परिवार होते हैं, वो उसको बोलते हैं कि ये तो कंजर खाना है, ये कोई काम थोड़ी, अच्छा वाला काम नहीं है. आज की बात और उस वक्त की बात, ये बात तो मैं 35-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ ना. जी जी. अब तो टाइम बहुत, अब तो म्यूजिक की इतनी रिस्पेक्ट है कि जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी VVIP लोग जो होते हैं माशरे में, तो सभी लोगों की ये तमन्ना होती है कि हमारा एक बच्चा तो म्यूजिशियन होना चाहिए, या कोई लड़की है वो एक्ट्रेस होनी चाहिए, एक्टर होना चाहिए. आज तो स्टेटस है, और जब हमने शुरू किया था तब तो बहुत फर्क था. सही बात. लेकिन आज तो मेरे बाप, वो भी मेरा बाप ही नहीं बल्कि मेरा पूरा खानदान, जो मेरे कुछ नहीं लगते वो भी बोलते हैं कि वो हमारा जीजा लगता है, वो हमारा बड़ा भाई लगता है. सही बात है ना. वो तो हो ही जाता है जब आप थोड़ा सा नाम आपका हो जाता है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो लोग अपनी थोड़ी सी वो टॉर बनाने के लिए, अपना थोड़ा सा स्टेटस बढ़ाने के लिए भी बात करते हैं. लेकिन मैंने मतलब जो किया वो मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, मेरे में खुदा ने ऐसा कुछ बख्शा था. तो बस मैं अपना काम करता गया और अभी काम कर रहा हूँ. तो आगे भी बहुत ऐसे मरहले हैं जो मैंने अभी पार करने हैं, जिसको सर करना है.
तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी कृपा रही हमारे गुरु महाराज की तो होता रहेगा। ज़रूर 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 इंशाल्लाह ज़रूर होता रहेगा। आपने अपने बचपन की जिक्र की, कोई ऐसा गाना आपको हारमोनियम भजन साहब ने आपको सामने रख दिए हैं और बड़ा सुरीला हारमोनियम भी है हाथ में, हमने आपका देखा हुआ हारमोनियम पे, तो कुछ बचपन का ऐसा कोई गाना आपको याद आता जो आपने शुरू शुरू में आप गाया करते थे कहीं खेल मैदान में कहीं पर, जो आपका फेवरेट गाना होया करता था उस टाइम के? बिल्कुल जी, जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया तो उस वक्त जो मैंने पहली पिक्चर देखी थी, अच्छा, उससे पहले मुझे मालूम नहीं था क्या पिक्चर होती है, तो वो मैं पिक्चर देखी थी, एक पंजाबी पिक्चर रिलीज हुई थी सुनील दत्त जी की, हाँ जी, मन जीते जग जीत, आए क्या बहुत बड़ी पिक्चर थी। सो उसमें एक गाना था, जब मैंने अपनी सुरत संभाली है, जब मैंने गाना शुरू किया तो मैंने ये गाना सबसे पहले गाया था, मुझे थोड़ा सा याद होगा, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, तो मैं आपको वो सुनाना चाहूंगा। जो लोग हमारे देख रहे हैं निर्मल सिद्धू साहब, आपको उस गाने की थोड़ी सी झलक देंगे जो मैंने बचपन में गाया था। क्या बात है, प्लीज प्लीज। जदों जदों वे बनेरे बोले मैनू तेरी सौवे मेरे सजना, क्या बात है, जदों जदों वे बनेरे बोले मैनू तेरी सौवे मेरे सजना, मैं था मर जानिया वे आजा दिल जानिया, क्या बात है। तो अच्छा, आपने जिक्र किया था कि आपने स्टडी किया, म्यूजिक पढ़ा, कि आपके कुछ गुरु होंगे? जी बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि मैंने सबसे पहले पाठ करना शुरू किया, उसके बाद फिर मैंने डिवोशनल कीर्तन करना शुरू किया, फिर ढाडी जत्था होता है पंजाब में, हाँ जी, हाँ जी। तो वह मैंने वो भी किया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स के साथ हुई जो मेरे जिनको मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ, अच्छा। तो मास्टर नगेंद्र सिंह चाल जो अब नहीं है, अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि अगर आपने मार्केट में आगे बढ़ना है, जब आप चाहते हो कि आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आप पहले पढ़ाई करो। तो उसके बाद फिर मैं फाजिलका गया जो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, हाँ जी। तो वहाँ फिर मैंने 6 साल कोर्स किया प्राचीन कला केंद्र यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, अच्छा। म्यूजिक की मैंने एमए की वहाँ पर, क्या बात। तो मेरे उस्ताद जी प्रोफेसर कृष्ण शांत जी, जिन्होंने 3 PhD की म्यूजिक के ऊपर, अच्छा। और बहुत मैं मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे एक वो इंसान है जो त्रुपद तुमार गायकी गाते हैं, जो सितार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, माउथ ऑर्गन बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, मतलब जो हिंदुस्तान से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उनको वो बखूबी से बजाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, क्या बात। लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, वो टीचर है सिर्फ, अच्छा, वो टीच करते हैं, उनके बहुत सारे शिगिर्द जैसे मैं हूँ, और उनके शिगिर्दों ने PhD की है म्यूजिक के ऊपर, और उनकी बुक्स जो है अभी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उनके जो लगे हैं, हाँ जी, तो उनसे मैंने 6 साल सीखा, अब भी मैं उनसे सीखता हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है। और उन्होंने बचपन में कुछ आपको सिखाया? बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। कोई ऐसा गीत आपको याद आता जो उन्होंने सिखाया आपको? नहीं, उन्होंने मुझे गीत गाना तो बिल्कुल मना ही किया था कि अच्छा। जितनी देर आपने मेरे पास रहना है आपने कोई गाना नहीं गाना, क्योंकि एक राय है ये, और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने क्लासिकल सीखना है, अगर आपने संगीतकार बनना है, अगर आपने परफेक्ट म्यूजिशियन बनना है, तो आप गाना गा नहीं सकते, अच्छा, क्योंकि गाना जो होता है, गाना किसी एक राग में होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। राग की एक कंपोजिशन होती है, उसमें अगर वादी सुर रहा है, संवादी सुर रहा है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा जी। उसमें आपने पंचम में गाना है, मध्यम में गाना है, या खर्ज में गाना है, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो गाने में ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए जितने भी अच्छे संगीत घराने हैं वो अपने बच्चों को या अपने शिष्यों को ये बोलते हैं कि आप गाना नहीं गा सकते जब तक आप मेरे से सीख रहे हो, क्योंकि आपने ठुमरी गानी है वो गाने में नहीं आती, वो भी क्लासिकल राग होता है। गाने जो होते हैं वो लाइट म्यूजिक में आ जाते हैं, इसलिए मुझे उन्होंने गाना तो मना ही किया था, हाँ, लेकिन कंपोजिशन मैंने बहुत सारी विलंबत ख्याल ऐसी क्लासिकल गायकी उनसे साथ, मैंने 6 साल तो ऐसा ही गाया। पंजाबी गाना मैंने बहुत देर बाद शुरू किया, अच्छा, हाँ, मैंने सीखना तो शुरू किया, आप कह सकता हूँ कि 70 में मैंने गाना सीखना शुरू किया, लेकिन मैंने जो पंजाबी गाना जो शुरू किया वो मैंने 87-86 में गाना मैंने शुरू किया, 15-16 साल बाद, अच्छा, मैंने पंजाबी गाना गाना शुरू किया। तो जब जो हमारे आज की जो नई पीढ़ी जो आपको सुन रही है, आपको देख रही है आज, किस तरह से, मतलब अगर ये लोग भी यहाँ पर अमेरिका में थोड़ा मुश्किल है,
उस तरह की जो आप बातें कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचना, तो अगर वो फिर भी रियाज़ करना चाहें, कुछ आप उनको टिप्स देना चाहेंगे कैसे रियाज़ क्या करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं यही बात कहनी चाहूँगा कि दुनिया में चाहे कोई भी किता है, कोई भी काम है, तब तक सक्सेस उसमें मिल ही नहीं सकती आपको जब तक उसके बारे में आप डीपली सोचते नहीं है, रिसर्च नहीं करते, उसको थ्योरी भी उसकी पढ़ें, आप उसका प्रैक्टिकल भी करें, फिर आप उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। अगर गाने की बात करते हैं तो गाने में तो यही है कि आजकल तो गाना जो है वो मैं समझता हूँ वो संगीत तो रहा ही नहीं। आज तो गाने का मकसद एक बीट, एक रिदम है। जितने गाने आ रहे हैं उसमें बीट प्रधान होती है, रिदम प्रधान होती है, और उसमें रैप सा होने लगा, बातें होने लगी हैं, मतलब संगीत नहीं रहा, सिर्फ बातें हो गई है। लेकिन ये बात तो वो है कि एक टेस्ट है, बदलता रहता है हमारा। हमने सुबह अगर चावल खाए हैं तो शाम को हम बोलेंगे कि चिकन खाना है, और नेक्स्ट डे फिर कुछ और ढूंढेंगे। ये टेस्ट है, ये इंसान के बदलते रहते हैं। सही बात है। लेकिन बदलेगा क्या नहीं, वो जैसे आप बोलो गेहूं आटा चावल है, ये दो चीज है, इसका टेस्ट बदलता रहेगा, स्टाइल बदलता रहेगा, वो चीज वही रहेगी। सही बात। सो मैं समझता हूं कि गाने में अगर आपने क्लासिकल गाना सीखा है, उसमें आपने राग ताल सब सीखा है, तो उसके बाद टेस्ट तो आप बदलते रहोगे। शेफ जो होते हैं वो सब कुछ बना लेते हैं, जो आदमी की डिमांड है वो बनाओगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल सीखा ही कुछ नहीं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा समान ही टिक पाओगे। ठीक है, आजकल मैं भी गाता हूँ यंगस्टर की, मेरे आजकल जितने गाने ज्यादा आ रहे हैं मेरे वो बीट सॉन्ग होते हैं, और मुझे जो 4-5 साल से शुरू करके 25-30 साल के बच्चे मुझे सुनते हैं ना। लेकिन मैं बीच बीच में, लेकिन मैं कुछ ऐसे गाने भी निकालता हूँ, उनको बोलता हूँ कि ये गाना भी सुनो, और मैंने ये गाना गाया है, तो वो यूके भंगड़ा में या भंगड़ा म्यूजिक में मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने पीछे एक गाना बनाया था दरबारी में, अच्छा। तो वो यूके में ऐसे गाने बहुत कम बनते हैं। अगर आप उसमें एक 1000 गाना बनेगा, 1000 सॉन्ग बनेगा, तो 1-2 सॉन्ग ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि वो लोगों का मानना कि ये गाने चलते नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यूके में भी ऐसे गाने चलेंगे, लोग तो सुनते हैं, आप उनको अच्छा गाना दो। तो मैंने उनके लिए एक गाना बनाया, आप कहो तो मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर जरूर, इंशाल्लाह। नी मेरी बाहां विच आचा, नी मेरे दिल च समा जा, मेरी बाहां विच आ जा, मेरे दिल च समा जा, दिल तेरे बिना लगदा कहीं ना, सोनिए नहीं जीना तेरे बिना, नहीं जीना सोनिए नहीं जीना, नी तेरे बिना नहीं जीना। क्या बात है। We are having a great interview with Mr. Nirmal Sidhu. We'll be right back after these messages. You are tuned to This USA Television. This is Sanjay Sen. We are back with Mr. Nirmal Sidhu, the one and the only Punjabi singer from the great state, city and the world of Punjab. सिद्धू साहब, आपने कुछ जिक्र किया था लोगों से सीखने के लिए, हम आपसे पूछ रहे हैं आपके आइडल कौन है, आप किस किस की फॉलो करते हो? हर कोई ना कोई होता है किसी की फॉलो करता है, जैसे किशोर साहब ने साइकिल साहब की फॉलो की, कुमार शानू ने किशोर साहब की फॉलो की, हर किसी, आप की शुरुआत जब आपने आई, जब आप आए मैदान में, मतलब तंदुरुस्ती लेके, तो मतलब आपके आइडल कौन थे? देखिए ऐसे बात है कि मैं सीखता हर किसी से हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी गायकी के ऊपर किसी को भारू नहीं होने दिया, हावी नहीं होने दिया। मेरा मानना यह है कि रफ़ी साहब किशोर साहब, बस रफ़ी साहब रफ़ी हैं, किशोर साहब किशोर हैं। मैं निर्मल सिद्धू हूँ तो मैं बनना चाहता हूँ कि मैं निर्मल सिद्धू हूँ। सो मैंने सुना बहुत लोगों को है, मैंने जायदा प्रवीण, आबदा प्रवीण, गुलाम अब्बास, गुलाम अली, मेहंदी हसन, और हिंदुस्तान में भी जैसे लता जी, आशा जी, तलत महमूद, मुकेश साहब, मन्ना डे जी, सभी आर्टिस्टों को मैं सुनता हूँ। लेकिन मेरा जो स्टाइल है वो मेरा अपना ही रहता है। मेरे ये सभी आइडियल हैं, इनको मैंने सुन सुन के कि वो क्या गाते हैं, किस आर्टिस्ट का कौन सा स्केल है, वो कितने स्केल में गाती हैं, नीचे आवाज़ लेके आती हैं, उसमें तंदुरुस्ती रहनी चाहिए, पावर एक जैसी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर ऊपर तार सप्त के ऊपर गा रहे हो तो आपकी आवाज़ 100 पे जा रही है, और जब नीचे आ जाते हो तो 60 पे आ जाती है। ये टेक्निकल बातें भी और म्यूजिकली बातें भी मैंने सभी से सीखी हैं। और मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि मैं जो गाऊँ मैं अपना गाऊं, किसी की मतलब उसमें वो नजर नहीं आना चाहिए कि ये मैं उन जैसा गाता हूं। नहीं, बट आप जब आप महफिल में आते, शुरू में आते, शुरू शुरू में तो अपना गाना कोई नहीं बनाता ना, तो हर किसी को सुन के देख के तो लोग मतलब
उसके गाने गाने गा को के तो फिर आते हैं नहीं, लेकिन कोई ना कोई बचपन में आपका फेवरेट रहा होगा सिंगर जिसके गाने आप कभी कभी गुनगुनाया करते थे? मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने पाकिस्तान, मेरी जो फरीदकोट के पास में पाकिस्तान का बॉर्डर है नज़दीक है वहाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर रेडियो पाकिस्तान के 2-3 रेडियो चलते थे, हाँ जी। मुझे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला कि वहाँ से जितने प्रोग्राम चलते थे वो गज़लों के, कव्वाली, महफिल, ऐसे प्रोग्राम चलते थे, तो मैं सुनता था उनको। मैंने सीखा उनसे ही है, सभी लोगों से सीखा है कि सुर कैसे लगाना है, सुर में पकियाई आपने कैसे लेके आनी है। लेकिन ये मेरा पहले दिन से रहा कि मेरे गाने में किसी की भाव नहीं आनी चाहिए, मेरा गाना अलग से होना चाहिए। और वैसे अगर आप, जैसे आपने बोला कि आपका आइडियल या सुनने में मुझे एक ऐसा आर्टिस्ट है, मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद ऐसा आर्टिस्ट ना कभी था ना कभी होगा। मतलब मैं समझता हूँ कि बाकी सब आर्टिस्ट अच्छे हैं, लेकिन वो जो मेरे खून में समाया हुआ था, उनका नाम था जगजीत सिंह जी। क्या बात। और कुछ दिन पहले उनकी जो डेथ हो चुकी है, तो वो मेरे पता नहीं क्यों, मैं उनको कभी मिला भी नहीं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। और मैं कभी कभी बैठा हूँ, सो रहा हूँ, और उस वक्त मुझे अचानक ही कोई दबासा आता है और मुझे तलखी से होती है कि वो क्यों चले गए यहाँ से। वो चले गए, लेकिन उनका जो संगीत उन्होंने दिया है पूरी दुनिया में, मेरा ये मानना है कि गज़ल बहुत से लोगों ने गाई है, बहुत इसके बाद भी गाएंगे, लेकिन जो गज़ल जगजीत सिंह जी ने गाई है, जो उसका म्यार गजल का बना है, कमर्शलाइज जो उन्होंने गजल को किया, गजल कमर्शल, जैसे गुलाम अली साहब ने भी गजल गाई है, मेहंदी हसन साहब ने बहुत अच्छी गजलें गाई हैं, लेकिन उसका जो, जिसको हम बोलते हैं व्यापारीकरण जिसको बोलते हैं, या एक जो स्टैंडर्ड है, जो गजल से कोई आदमी 500 रुपए की सीढ़ी खरीदता नहीं है, वो बोलता है गजल है ठीक है यार, अगर फ्री में मिलती है तो सुन लेते हैं, 500 रुपया देके या $20 देके हम नहीं लेंगे। लेकिन जगजीत सिंह एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिनकी गजल लोगों ने बोला कि पैसा कितना चाहिए आपको, हमें उनकी गजल चाहिए। और जब उनके शो होते थे तो 10-10 हजार मतलब लोग उनकी गजल सुनने के लिए आते थे। मैं तो सोचता हूँ सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दुनिया का बहुत बड़ा लॉस है ये। और जैसे आपने कहा कि दूसरा कोई जगजीत सिंह, यू नो, आई डोंट थिंक सो एलेवर बी बॉर्न पचन साहब, आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है, बिल्कुल, आप, बिल्कुल, you know, बहुत मुश्किल है। तो अब जब उनकी याद हम लोग हमारे दिल में ताज़ा है, बिल्कुल, कुछ अगर आपके जहन में होगा उनका कुछ तो सुना दे प्लीज़ आप। बिल्कुल जी, उनकी वैसे तो लाखों ही गज़लें हैं, हाँ जी, जो मेरे दिल को, मतलब मैं आपको संसा बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ का बहुत सा बुरा वक्त, आप बोलो कि किसी वक्त ऐसा होता कि आपके ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है जिसमें आप टेंशन में होते हो, हाँ जी, हाँ जी। या आप जर्नी में होते हो, हाँ प्रॉब्लम में होते हो, हाँ जी। तो मेरे मोबाइल में, मेरे घर में, मेरी गाड़ी में बस एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अगर 10 सीडी गाड़ी में डाली है तो उसमें कम से कम 8 सीडी तो गज़लों की होगी, 2 सीडी बाकी होगी, मेरी उसमें सीडी होगी कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने गाने सुनता नहीं हूँ, दूसरे आर्टिस्टों के मैं ज़्यादा सुनता हूँ। तो एक गज़ल जो मैं समझता हूँ कि एक उनको श्रद्धांजलि भी होगी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, और एक ऐसी गज़ल उन्होंने गाई जो पूरी दुनिया के ज़ुबान से, पूरी दुनिया के मुँह से वो बात निकली, उन्होंने किसी और के लिए कहा था, लेकिन ये पूरी दुनिया की ज़ुबान से ये जो गज़ल सुना है, कौन सी गज़ल है, मैं सुनाना चाहूँगा। चिट्ठी न कोई संदेह, ओ चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे, क्या बात है, क्या बात है, कहाँ तुम चले गए, क्या बात है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, क्या बात है, क्या बात है, जहाँ तुम चले गए, मेरे दिल को लगा के ठेस, दिल को लगा के थे, कहाँ तुम चले गए, हाँ कहाँ तुम चले गए, क्यों तुम चले गए। वे क्या बात है, वाह क्या बात, क्या बात सर, वाह वाह। मैंने पजन साहब से सुना है कि आप पंजाबी का प्रोग्राम लेके आए हो, अब इसके बाद में लगता है यार एक प्रोग्राम गज़ल का भी होना चाहिए पजन साहब।
इतना बढ़िया आपका मकान, इतना सुंदर सा आपका पैलेस है यार, इसमें गजल की महफिल भी एक जाने से पहले इनका, आप जा कब रहे हैं वैसे ये बताएं? कर देंगे, कर देंगे। ओह माय गॉड, नो जल्दी, क्या बात है यार, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आप तबला बजाएंगे तो नहीं नहीं ये बात नहीं। अच्छा तो अच्छा, पहले तो वो जो प्रोग्राम भजन साहब ने एक अरेंज किया है, हाँ, स्पेशल मेरे लिए और जितने भी यहाँ के, हाँ, जरखेज जिसको हम लोग बोलते हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको बोलते हैं, बहुत समझदार लोग हैं, हाँ, हाँ, उनके लिए जो पहला प्रोग्राम है वो 19 को एवरग्रीन हाई स्कूल में हो रहा है। ये अभी 19th ये नवंबर को अभी ये वाह क्या बात है, सैन जोसे में हो रहा है। लेकिन ये जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं उनको ये सुन के थोड़ा दुख भी होगा कि शो पहले ही जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ और। अब और क्या, और अभी नाराजगी बहुत लोगों की नाराजगी शुरू हो गई, इंडिया से फोन आने शुरू हो गए कि भाई हमको भी टिकटें चाहिए, हमने भी आना, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कुछ भी नहीं किया। हे भगवान, तो अगर ये अब ये बात हो गई कि अगर आपने गजल का प्रोग्राम रख दिया तो क्या होगा, तो बताएंगे नहीं जो लोग भजन साहब को जानते हैं फोन करना शुरू कर दें। फोन फिर ऐसा करें ना, वैसे उसका भी एक हल तो है ना, स्टेडियम में प्रोग्राम हो सकता है ना, ये अच्छे खुले से स्टेडियम में हो सकता है। एनीवेज अब जो अच्छा एक बताएं, आप ऑफ कोर्स मैं लोगों को बता रहा हूँ आप पंजाबी सिंगर हो, अभी आपने उर्दू की गजल भी गाई, और कौन सी कितने लैंग्वेजेस में आप गाते हैं? नहीं कोई ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं, वैसे तो पंजाबी में ज़्यादा गाता हूँ मैं, लेकिन अच्छा। मैंने हिमाचली भी गाया है, हरियाणवी भी गाया है, अच्छा। और उर्दू की गज़लें मैंने काफ़ी गाई हैं, हाँ। और हिंदी गा लेता हूँ, अच्छा। इंग्लिश तो कम है, ज़्यादा अच्छी नहीं है इंग्लिश, लेकिन मरने से पहले एक इंग्लिश गीत भी जरूर सुनाऊंगा। अच्छा, अच्छा। नहीं आजकल के नया जो कॉमन गाने हैं, माय नेम इज शीला, वो इंग्लिश हो गया ना। नहीं तो आप बना सकते हो माय नेम इज निर्मल, तो इंग्लिश हो गया। नहीं वो तो ऐसा मलगोबा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो जैसे देखो हमने पंजाबी गाना गाना है तो फिर पंजाबी गाना है, अगर गजल गानी है तो उसमें फ्लेवर गजल का ही आना चाहिए, पंजाबी का नहीं आना चाहिए। जब इंग्लिश गाएंगे तो फिर इंग्लिश ही गाएंगे, उसमें पंजाबी या हिंदी का नहीं आएगा। चलो जी अगला, ऑल यू गाइस हु आर वाचिंग द टीवी, मिस्टर निर्मल सिद्धू नेक्स्ट टाइम इज ऑन द टीवी, he's going to be getting you some English numbers. मतलब English style, UK style या American style होगा? Word style, word. आपने किसी फिल्म में playback singing भी किया है? जी, मैंने करीब करीब 10-12 पिक्चरें का मैंने म्यूजिक किया है, और पंजाबी पिक्चर जैसे ट्रक ड्राइवर, उसका नहीं म्यूजिक किया, मतलब आपने म्यूजिक डायरेक्शन किया? हाँ, ये मैंने उसका मैंने म्यूजिक भी किया है, प्लेबैक सिंगर के तौर के मैंने, मेरे ऊपर फिल्माए भी गए गाने, जैसे एक पुर्जा कट मरे था, उसमें एच एस भजन साहब उनका भी गाना था, अच्छा, वो भी प्लेबैक सिंगर है, उन्होंने फिल्में गाया, सो हमने काफी मिलके काफी सारा हमने काम किया है। एक जी में पहले मेरी एल्बम आई थी शीशे का दिल, हाँ। और उसके बाद फिर एच एस भजन साहब की आई थी दिल धड़के, और बहुत पॉपुलर हुई थी पूरे वर्ल्ड में, वो बहुत तगड़ी प्रमोशन की थी वो शीशे का दिल का भजन साहब जिक्र कर रहे थे, जरा कुछ सुनाओगे आप हमारे सुनने वालों को? हाँ बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले इससे पहले मैंने कभी हिंदी गाना गाया नहीं था, रिकॉर्ड नहीं मैंने किया था, वैसे हिंदी तो मतलब स्टेजों पे गाते थे, तो एक बड़ा अच्छा नंबर हमने बनाया था जिसमें पंजाब के बहुत सुप्रसिद्ध जो राइटर उनके गाने लिखे थे, क्या बात। तो मैंने उसमें एक ट्राई किया था कि हिंदी में कुछ किया जाए, तो उसमें मैंने एक गाना लिखा था शीशे का दिल, तो हमने वो डेमो सभी कंपनीज को दे दिया, और उसके बाद हमने जी को दिया, तो जी वालों का फ़ोन आया, मैं तो बॉम्बे में ही था अभी, लेकिन घर में फ़ोन आया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, सो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है जी, मांगो क्या चाहिए, लेकिन हमें ये गाना चाहिए। क्या बात। तो मैं तो स्ट्रगल था, मेरे को तो उस वक्त सारी रात नींद नहीं आई कि यार मैं क्या मांगू इनसे, क्या बात, ज्यादा ना मांग लूं कि ये दौड़ जाएं, और कम ना मांग लूं कि मैं पछताऊं बाद में कि यार मैंने कम मांग लिया। दिस इज द ट्रीट, दिस इज द ट्रीट टू ऑल द देसी यूएसए टेलीविजन लिसनर्स, यू आर गोना हियर हिम लाइव, द हिंदी सॉन्ग दैट ही जस्ट कंपोज्ड, देयर इज अ मार्केट फॉर इट इन बॉम्बे, यू आर गोना हियर इट लाइव फ्रॉम द ओरिजिनल सिंगर। हो जाए तो फिर ये गाना मैंने जो एल्बम शीशे का दिल था, और ये गाना पंजाब का, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पंजाब का पहला आर्टिस्ट था निर्मल सिद्धू जिसने लक्ष्य सिने अवार्ड में परफॉर्मेंस किया लाइव, पूरी क्या बात है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने, क्या बात। तो वो गाना सुनाऊंगा मैं, क्या बात है। शीशे का दिल तोड़ा मेरा ओ जाने जाओ, शीशे का दिल तोड़ा मेरा ओ जाने जाओ,
तेरी चाहत में मैंने दुनिया बसा ली यारा, तेरी चाहत में मैंने दुनिया भुला ली यारा, ढूंढा ना तुझको कहाँ, शीशे का दिल थोड़ा मेरा तू जाने जा, शीशे का दिल थोड़ा मेरा तू जाने जा, तेरी चाहत में मैंने दुनिया भुला दी यारा, तेरी चाहत में मैंने दुनिया भुला दी यारा, ढूंढा ना तुझको कहाँ, शीशे का दिल थोड़ा मेरा तू जाने जा, शीशे का दिल थोड़ा मेरा क्या बात है जाने जा। We are sitting here with Nirmal Sidhu Saab. What a versatile artist. You heard the Punjabi song, you heard the ghazals, and of course, the Hindi music. This is Sanjay Sen reporting live for Desi USA Television. We'll be right back after these messages. Sanjay Sen reporting live for Desi USA Television. We are back with Mr. Nirmal Sidhu Saab. सिद्धु साहब, हम लोग आपसे आपसे ये पूछना भूल गए जी। इतने मतलब आप तो इतने हमें मतलब घुस गए हम आपके हारमोनियम के अंदर, या गजल का क्या सुने, गजल सुने, पंजाबी सुने, हिंदी सुने। आपके घराने की जब बात हो रही थी, आपने कहा कि पहले आपसे पहले कोई सिंगर नहीं आया, आपके बाद आप किसी को ट्रेन करो, या फैमिली में कोई आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा है आपके बाद कि आप भी फैमिली की तरह ही मतलब कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे तो मैंने ये पहले आपको बताया था कि गाना जो है वो किसी को सिखाया नहीं जा सकता, तैयारी नहीं करवाई जा सकती किसी की, ये तो ऊपर से ही आता है गाना। सही बात है। तो मेरा बेटा है नव सिद्धू, नव सिद्धू, क्या बात है। तो अभी इसी 24th को उसका फर्स्ट जो मतलब सिंगल लॉन्च यूके से उसका हो रहा है, क्या और बात बहुत है? बहुत बड़ा ट्रैक उसका हाई सोनी है, वो अभी फेसबुक यूट्यूब के उसकी ऊपर जो उनकी प्रमोशन स्टार्ट भी हो चुकी है। हाँ जी। तो मैंने उसको भी तैयार नहीं किया, मेरे साथ रहता था, जब भी हम फॉरन आते थे मेरे साथ आता था, तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी बाहर आता हूँ अगर हो सके तो अपनी फैमिली को भी मैं साथ लेकर ही आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने मेरे को देखता रहा, सीखा, और उसके बाद मतलब लोगों ने उसको बोला कि नहीं ये तो लड़का बहुत अच्छा है। इवन अभी उसकी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत से पहले ही उसको फिल्मों वाले भी मतलब ऑफर लेके आ गए कि उसको हमने फिल्म में हीरो लेना है। क्या बात है। सो मैं समझता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो उसकी तो शुरुआत ही मेरे से कहीं ऊपर स्टार्ट हो रही है। वेरी गुड। तो अगर हमारे स्रोतों का, जैसे उन्होंने मुझे प्यार दिया है, मुझे मोहब्बत दी है, तो अगर उनका उनको भी प्यार मोहब्बत मिला तो वो एक दिन बड़ा अच्छा आर्टिस्ट बन के सामने आएगा। आप मतलब बच्चों को तो आपने मतलब ट्रेनिंग कर दी, जो हमारे लिसनर्स है, जो हमारे नई पीढ़ी है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहती है जी, उन लोगों को क्या शिक्षा आप कुछ कोई कुछ देंगे, आप उनका शिक्षा देंगे उनका? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे पंजाबी संगीत है या हमारा बॉलीवुड संगीत है, चाहे गजल है, चाहे गीत है, कोई भी चीज़ है, एक तो संगीत इतनी अच्छी दवा होती है जीने के लिए, इतनी अच्छी पावर होती है कि इससे ज़्यादा बढ़िया दुनिया में कोई नशा भी नहीं है। क्या बात। बाकी नशा करोगे दिन का निकलता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो संगीत सीखना चाहिए हर आदमी को, मैं चाहता हूँ संगीत सीखना चाहिए। हाँ, अगर आपको संगीत का नशा होने लगेगा तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल लाइफ हो जाती है। और आजकल तो आप कहीं भी नेट पे संगीत सीख सकते हो, यूट्यूब पे आप जाओ, आपने जो भी सीखना है, हारमोनियम सीखना है, गिटार सीखनी है, आप उस पर डालो, वो सिखाएंगे। और मैं भी नेट पे सिखाता हूँ, तो अगर मेरे से भी कुछ सीखना चाहे तो मैं क्लास लेता हूँ, इंटरनेट पे हम क्लास लेते हैं जी जी। तो www.nirmalsidhu.com मेरी वेबसाइट है। अच्छा। और उसके ऊपर सभी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और हमारे जितने भी स्रोत हैं। और मैं आजकल यूके में मैंने क्लासेस स्टार्ट किया, और मैंने आपको बताया नहीं कि पहले 10 साल मैंने फरीदकोट में बाबा फरीद संगीत अकेडमी चलाई है, और उसके बाद जलंधर में मैंने 3-4 साल रबाब म्यूजिक इंस्टीट्यूट चलाया। सो पंजाब के बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे मास्टर सलीम आजकल बॉलीवुड में गा रहा है, सो उसको मैंने लॉन्च किया था। लाभ जंजू आजकल बॉलीवुड में जो गा रहा है, उसका फर्स्ट गाना भी मैंने रिकॉर्ड किया था। सरदूल सिकंदर, जसविंदर नरूला, जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उन सभी को मैंने रिकॉर्ड किया है, और आगे भी बहुत सारे आर्टिस्ट। अभी एक यूके की एक ब्रिटिश बॉर्न लड़की है, तो उसको भी हम लॉन्च करने वाले हैं थोड़े दिनों में, उसको भी लॉन्च कर रहे हैं। तो मतलब म्यूजिक डायरेक्शन आप मतलब ये आपका फुल टाइम चीज़ है या सिंगिंग आपका फुल टाइम चीज़ है? नहीं, म्यूजिक तो देखो जैसे एक बोलते हैं ना कि हाथी की पैर में सभी दुनिया की पैर आ जाती है। क्या बात है ना। क्या बात तो है, अगर अगर मैंने संगीत सीखा है, अगर संगीत मेरे को इसकी नॉलेज है, चाहे मैं गाना लिखूं, आप मुझे बोलो कि अभी बैठे बैठे इस टॉपिक के गाना लिख दो, तो मैं 2-3 मिनट में गाना पूरा कर दूंगा। अच्छा। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो जो तीसरा नेत्रिका इंसान के पास होता है, क्या बात है, इनको बंद करना, उसको खोलना है, उसी वक्त वो चीज आ जाती है। तो चाहे मैं गाना लिखूं, चाहे मैं कंपोज करूं, चाहे मैं गाना गाऊं, एक ही चीज है, म्यूजिक ही है। और मुझे कभी इसमें कोई
डिफिकल्टी आती नहीं है कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, म्यूजिक बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं खुद ही अपनी कंपोजिशन करता हूँ, खुद ही गाना लिखता हूँ और खुद ही गाना गाता हूँ। इतने कलाकारों की आपने जिक्र की, मैंने मास्टर सलीम वगैरह के आपने जिक्र किया, थोड़ा सा हम आपको वहाँ से निकाल के बॉलीवुड में ले जाएं, क्योंकि आजकल मार्केट बॉलीवुड का ज़्यादा है और आपके बेटा भी बॉलीवुड में जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी बहुत तरक्की करेगा। जो हमारे आजकल के बॉलीवुड सिंगर्स हैं जी, आपको आपने पहले बताया कि म्यूजिक कहाँ जा रही है, वो फाइव डायरेक्शन में जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन कुछ हमारे अच्छे सिंगर्स हैं जैसे सोनू निगम है, श्रेया घोषाल जी, ऐसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। आजकल के ज़माने में अगर आपको कोई कोई किसी को पिक करना पड़े तो किन को आप पिक करेंगे कि मतलब किसी हद तक ये सिंगर आगे काफ़ी दिनों तक जा सकता है? देखिए, आपने पहले ही नाम ले दिया। मैं समझता हूँ कि सोनू निगम जैसे, रफ़ी साहब तो बस रफ़ी साहब थे ना, लेकिन अभी इस वक्त जो गाना लड़का गा रहा है तो उसको मैं सोनू निगम मानूंगा कि वो इतना परफेक्ट आर्टिस्ट है। अभी पीछे एक कुछ दिन पहले उनकी एक क्लासिकल एल्बम रिलीज हुई है जिसमें उन्होंने कंपोजिशन गाई है और पूरे अलाप सरगम मुरकी ताने सब उन्होंने लगाई है। तो एक उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो एक सिर्फ नॉर्मली सिंगर नहीं है, बॉलीवुड सिंगर नहीं है, जहाँ लाइट म्यूजिक गाने वाला लड़का नहीं है, वो एक क्लासिकल गाने वाला लड़का भी है। अच्छा। तो बहुत से आर्टिस्ट और भी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो सोनू निगम जो आजकल की जो जनरेशन है और जैसे सुनिधि चौहान है और श्रेया घोषाल है, अलका याग्निक, ये आर्टिस्ट बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। एक ये आर्टिस्ट हैं बड़े, मुझे बहुत पसंद आते हैं और शुरुआत में उनके गाने मुझे बहुत पसंद थे, अपना ये सुखविंदर सिंह जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। सुखविंदर सिंह भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, हमारे पंजाब के हैं, अमृतसर के हैं, तो उन्होंने भी बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम किया। हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल होता है, हर आर्टिस्ट की एक अलग पहचान होती है, अलग तरह की गायकी होती है। जैसे बहुत ऊंचे सुर में अगर गाना है तो सुखविंदर सिंह ऊंचे सुर में बहुत ज्यादा गाते हैं। सोनू एक प्लेबैक सिंगर होता है, एक सिंगर होता है, एक परफॉर्मर होता है, तीन होती है। परफॉर्मर अलग होता है, परफॉर्मेंस करने वाला आदमी उसका गाने से कम मतलब होता है, परफॉर्मेंस में ज्यादा होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंटरटेनर हो जाता है। लता जी आशा जी हैं, वो परफॉर्मर नहीं थे, उनको धक्के से रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, हाँ वो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, प्लेबैक आर्टिस्ट है, उनको ये मालूम है कि मेरे ऊपर ये गाना किसके ऊपर फिल्माया जाएगा, वो वैसी ही आवाज निकालते हैं। जी जी। तो सोनू निगम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कमाल के आर्टिस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे आगे चल के आपको क्या लगता है हमारी म्यूजिक किधर जा रही है? कुछ मतलब ये कुछ बच के रहेगी या फिर बिखर जाएगी? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि समा बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक हमारा कोई हमारे सब दुनिया को चलाने वाली एक शक्ति है, वो उसका नाम चाहे आप अल्लाह बोलो, चाहे खुदा बोलो, भगवान बोलो, राम बोलो, कुछ भी बोल लो, एक शक्ति है, हमने नाम दिया उनको। घर में एक बच्चा हो तो उसका एक ही नाम होता है, अगर 10 बच्चे हो तो 10 नाम हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन होता वो बच्चा ही है सभी का। सो मैं समझता हूँ कि ये पहले हम लोग घर में खाना बनाते थे, लकड़ी जला के खाना बनाते थे, उसके बाद फिर मिट्टी का तेल आ गया, उसके बाद फिर गैस आ गई, अभी स्टीम खाना बनना शुरू हो गया। ये समय के साथ बदलता जा रहा है, तो गाना भी समय के साथ बदल रहा है। बड़े अच्छे फ्लेवर से आप डिस्क्राइब करो भाई, क्या भूख लगने लगी यार, क्या बात है, कमल साहब, है ना, बड़े अच्छे से आप डिस्क्राइब करो। अच्छा, जो आजकल के जो आर्टिस्ट हमारे आ रहे हैं, आप देखें, आई शुड से, लेकिन पदम साहब माफ़ करना, लेकिन जिसको यार आजकल देखो एल्बम बनाए चलता है, यू नो, हर किसी को मतलब सबका एल्बम चले या ना चले, एल्बम बनाने में लोग लुटे हुए हैं भाई। अब आपसे ही पूछना, आपने भी कुछ एल्बम वगैरह बनाई होगी? नहीं, मैंने तो बहुत एल्बम बनाई है सर, मैंने तो मेरा ख्याल है मेरी अपनी तकरीबन कोई 35-40 एल्बम तो मेरी अपनी रिलीज हो चुकी है, और उसके बाद मेरे सिंगल गाने बहुत रिलीज होते हैं, जैसे यूके में, कनाडा में, अमेरिका में, या सिंगल लोग टेप निकालते हैं, आजकल ये स्टाइल है, डीजे टेप निकालते हैं, तो उसमें 8-10 अलग तरह के सिंगर होते हैं। तो पिछले 4-5 साल से कोई भी ऐसी एल्बम नहीं है वर्ल्ड लेवल पे जो रिलीज होती है उसमें मेरा 1 या 2 सॉन्ग उसमें होते हैं, और मैंने करीब 200-300 के करीब मैंने एज ए म्यूजिक कंपोजर मैंने एल्बम निकाली है, और पंजाब के आप अगर कैसा ऐसा कह दें कि 80-85% आर्टिस्ट जितने भी पंजाब के हैं, बहुत पुराने से लेके नए तक, वो मैं सभी को मैंने अपने म्यूजिक में रिकॉर्ड किया है, और किसी को फिल्म में किया है, किसी को सीरियल में किया है, किसी को दूरदर्शन पे किया है, किसी को रेडियो पे किया है, तो मैं रेडियो का भी ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, और रेडियो के ऊपर भी मैंने जितने प्रोग्राम होते हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए, तो काफ़ी सर मैंने काम किया है मार्केट में। मैंने नाम आपका बहुत दिनों से, बहुत सालों से सुना रखा है मैंने आपका, और भजन साहब की मतलब उनके हस्ताक्षर से आज आपसे मुलाकात हो गई, और रूबरू बैठे हैं निर्मल सिद्धू जी के साथ में, बहुत अच्छा एक वातावरण ऐसा इन्होंने आज क्रिएट किया है
कि बस लगता है कि इसी वातावरण को लेके हम आज के प्रोग्राम का समाप्ति करें, लेकिन जाते जाते हमारे सुनने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी टीम हमारी यहाँ पर आके HS बजन भाई साहब के घर में आ पाए हैं और आपने शूट किया प्रोग्राम। और बड़ी बात यह है कि मैं सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा, वो बजन साहब का करना चाहूँगा। एक तो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने उनका म्यूज़िक किया है, उनके साथ काम किया है, एक बहुत मेरे परम मित्र भी हैं और बहुत समय पे उन्होंने मेरी मदद बहुत की है। जब मुझे किसी मदद की ज़रूरत होती है, मतलब किसी को कुछ चीज़ दिखानी होती है, मैंने पहले सभी कंट्री मैं गया था, कनाडा में भी, अमेरिका में मैंने बहुत शो किए, लेकिन मेरी एक UK कंट्री थी जिसमें मैं कभी गया नहीं था। तो मैं हर बार ये सोचता था कि यार एक UK कंट्री रह गई मेरी, यहाँ पर कोई सबब नहीं बना। तो भजन साहब, इन्होंने मुझे बोला कि यार आप UK में जाओ, हमारे रिलेटिव हैं, आप वहाँ पर जाओ। तो इन्होंने मेरा वीज़ा करवा के दिया पूरी फैमिली का, और हम वहाँ एक महीना उनके पास ठहरे। और वो UK जाना मेरी बिल्कुल लाइफ ही बदल गई। क्या बात है। तो अभी 5-6 साल से मैं UK में ही काम करता हूँ, करीब 8-9 महीने में UK में रहता हूँ। अभी मेरा बेटा वो भी UK से ही निकल रहा है, और UK की जो इंडस्ट्री है वो पूरे अभी बॉलीवुड को भी, मतलब वो कैच कर रही है। जितना बॉलीवुड का काम होता है, मैं समझता हूँ 50% काम वो UK से होके जाता है। सो वो मैं इनका बहुत थैंक्सफुल हूँ कि इन्होंने मुझे UK दिखाया, मुझे UK भेजा। अगर मैं नहीं जाता तो शायद पता नहीं निर्मल सिद्धू अब क्या होता, पता नहीं क्या होता, लेकिन अभी जो है वो इनकी वजह से है। और मैं इनका मतलब जिंदगी भर मतलब जो याद रखने वाली बात है कि मेरी बिल्कुल एक लाइफ बिल्कुल बदल गई, स्टाइल बिल्कुल बदल गया मेरा। वैसे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कमल सूरी साहब, आप शायद इनको नहीं जानते हैं, बॉलीवुड में इनकी भी बड़ी अच्छी, बॉम्बे में बड़ी अच्छी जान पहचान इनकी है। तो प्रोग्राम के बाद में आप इनसे प्राइवेटली मिल लीजिएगा। बिल्कुल सर, शायद आपका बहुत खुशी। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे भी मिलूंगा बाद में। आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो और बहुत अच्छे कंपोजर हो आप भी। तो जितने भी हमारे लिसनर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं सभी का बहुत थैंक्सफुल करना चाहता हूँ। और अपनी जनरेशन को तो यही कहना चाहता हूँ कि आजकल जो एक बहुत बड़ा चल रहा है दुनिया पूरी में ड्रग्स, नशा, जो हमारे बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें अपना ख्याल कर रहे हैं, तो इस चीज़ से सभी को बचना है और अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम ऊंचा करना है और अपनी लाइफ को इंजॉय करना है। अगर हम नशा करेंगे तो फिर अपनी लाइफ को मज़ा नहीं कर सकते। इस चीज़ से आपने पूरा बच के रहना है। सिद्धू साहब बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने दोस्त पीपल आर लिसनिंग, आई एम सच अ ग्रेट एडवाइस वाज फ्रॉम अ ग्रेट आर्टिस्ट फ्रॉम पंजाब, मिस्टर निर्मल सिद्धू, जो लोगों के इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें सिखाने से नहीं आती, इसमें रियाज करना पड़ता है, इसमें घुस जाना पड़ता है, सारा कुछ छोड़ के तभी संगीत मुश्किल से किसी के हाथ में आई और किसी के हाथ से निकल गई। पंजाब के बहुत ही मशहूर कलाकार आज हमारे देसी USA टेलीविजन में अपना दस्तक दे रहे थे। सुनने वालों को लीसी संजय सेन रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम मिस्टर हरभजन हाउस।